ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैबलेट। देखो मैं एकदम आपको सीधा बता दूं, मार्केट में टैबलेट बहुत सारे हैं, बट इतना बड़ा और इतना तगड़ा कोई भी नहीं है। क्यों होता क्या, बड़ा करना तो खाली स्क्रीन बड़ी कर देंगे और वो एक्चुअल चलता कुछ है नहीं खास। इस टैबलेट पे सब कुछ BGMI 8K रेटिंग, बड़ी स्क्रीन जाके कंप्यूटर बनाना, ड्रॉइंग व्रोइंग सब करेंगे भाई। गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा 5G, जब नाम में अल्ट्रा लग जाना फिर वो शक्तिमान लेवल का होना चाहिए। एंड में इसके ऊपर शक्तिमान की ड्रॉइंग बना के देखेंगे भाई, पेपर पे बेटर करता क्या इस पे। ये हमने कर लिया भाई अनबॉक्सिंग। भाई ये तो बहुत ही बड़ा है, मैं दोनों हाथों से पकड़ रहा हूं, हाथ छोटे पड़ जा रही। ये आपके ज्यादातर लैपटॉप को छोटा चेतन वाली फील करा देगा भाई, दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। और भी चीजें दे रखी हैं, USB टाइप सी टाइप सी केबल है। ये तार भाई बहुत जबरदस्त लंबी है, स्किपिंग हो जाएगी इससे। भाई इसके अंदर डुअल सिम है, लगती एक है डुअल सिम एक ई सिम। इसमें अगर आपको कॉल करना है तो कान पे लगा के तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, बट आप लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हो। मजाक के बाद साइड में, जैसे हमने आवाज फोन की माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करी। हाथ से अगर मैं पकड़ के दूंगा, वो बहुत ही बड़ा है भाई, इतना बड़ा है। यहाँ पे रैम वॉक का वो लगा रखा स्टेज, बट भाई ऐसे साइड से जैसे आप देखो, ओहो हो, साइड से बहुत ही ज्यादा पतला है। S-Pen अगर साइड में रखूंगा, S-Pen ज्यादा मोटा है। ये भाई एक नोटबुक से भी पतला। ये USB का जो अडेप्टर भाई ऑलमोस्ट इसी का साइज है, मैं भाई बहुत ही ज्यादा पतला है। बचपन में भाई स्लेट पे चौक नहीं चलाते, सेम वाली फील आ रही, बड़े वाली थोड़ी महंगी है। एक और मैं चीज दिखाता हूँ, जैसे आप इसको खोलो ना भाई, ये देखो इसके अंदर एक AMOLED डिस्प्ले है 120Hz वाला, बट हम 4K वीडियो चला लेते हैं। और जैसे कि दिख रहा होगा कलर और बहुत तगड़े, ये मतलब जहरीला बट पालने का मन कर गया भाई। दिक्कत ये इसका डिस्प्ले बहुत प्यारा है, बट ये ऐसा लग रहा है फोन की जो तगड़ी वाली स्क्रीन होती है वही बहुत बड़ी करती है। इसकी क्वालिटी आसपास नहीं है, और बड़ी स्क्रीन पे देखने में वीडियो मजा तो आता है। मैं पर्सनली अगर होता हूँ नेटफ्लिक्स और नहाना मैं साथ साथ करता हूँ, मतलब वैसे ट्राई करने का मेरा मन था क्योंकि IP68 रेटिंग है इसके अंदर। पानी में डाल के टेस्ट कर लेंगे, पानी में भी सही चल रहा है भाई। यहाँ पे देखो भाई, नीचे की साइड पे दो स्पीकर USB टाइप सी, राइट साइड में पावर वॉल्यूम, हर तरह स्पीकर ही स्पीकर, पोर्ट ही पोर्ट, और नीचे की साइड पे आप कनेक्ट करोगे अपना कीबोर्ड वीबोर्ड जो इसके साथ मिलता है। सबसे पहली चीज भाई, ये नीचे का हिस्सा देता है, ये ऊपर का हिस्सा मैं ये चुका दूँ, काफी टाइट चुका। इसका प्राइस है 19,999, मतलब 20,000 रुपए कह रहा हूँ। आप पूछो इतना महंगा क्यों, क्योंकि ये टैबलेट को एक लैपटॉप में कन्वर्ट कर देता है। टचपैड बहुत तगड़ा है, कीबोर्ड बहुत प्यारा सा है, बट लैपटॉप से थोड़ा अलग भी। जैसे इसको आप ऐसे नॉर्मली खोलो तो आपको लैपटॉप ऐसे छोड़ सकते हो, बट ये ऐसे पीछे की साइड गिरने लगे तो आपको पीछे की साइड एक पंखे से खोलना पड़ेगा, फिर आप इसको ऐसे रख सकते हो, फिर कीबोर्ड मस्त टाइप कर लो, या फिर टचपैड बढ़िया काम करता है। इसको उठा के लेके जाना, अब आपको लैपटॉप उठा के लेके जाना होता है, ऐसे नीचे से पकड़ते हो और उठा के लेके जाते हो। इसको नीचे से पकड़ोगे तो खाली कीबोर्ड हाथ में आ जाएगा। दूसरा तरीका इसको हाथ में उठा के लेके जाने का इज ऐसे करके, जिसमें आपका कीबोर्ड थोड़ा सा लटकता रहेगा, फिर जाके आप ऐसे इसको बिठा दो ऐसे। लैपटॉप में क्या रहता है, आप एकदम एच पे भी रखोगे तो पीछे की साइड पे ऐसे लुढ़कता नहीं है, क्योंकि उसकी स्क्रीन में इतना भार नहीं होता, नीचे की तरफ भार होता है। इसमें पूरा ही जो कुछ है वो पूरा टैबलेट में, अब इसको थोड़ा सा पीछे करके आपको ऐसे रखना पड़ेगा तो पीछे की साइड लुढ़के जाए, और अगर आप ऐसे कभी बंद कर दो ऐसा कर सकते हो। कीबोर्ड इसलिए बनाया गया ताकि भाई यूजेबिलिटी में एकदम लैपटॉप वाली आपको फील दे। लैपटॉप में बेसिक काम जैसे एक्सेल शीट चलाओगे, आप वीडियो देखोगे या फिर डेली वाले काम करोगे, काफी सही चल जाता है इसके अंदर। जैसे इसमें भी भाई हम मीटिंग ले रहे हैं तो फायदा यह रहता है कि लैपटॉप में यूजुअली कैमरा थोड़ा बेकार रहता है, इसमें काफी अच्छा है, एक्सेल शीट भी साथ में यूज कर पा रहे हैं, एंड टच स्क्रीन की वजह से हाथ से भी चल जाता है। एंड ये चीजें यूजुअली बस आप PC में कर पाओगे। यहाँ पे बैक साइड में देखो ना 1 kg लिखा, ये बताना चाह रहे हैं कि 1 kg से भी कम। मजाक कर रहा था, एक्चुअल वेट हमने निकाला 700 ग्राम के अराउंड। 1 kg का मतलब साउंड सिस्टम होता है, बजाएंगे। भाई इस तरफ भी बज रहा है, इस तरफ भी बज रहा है, अच्छा खासा लाउड है। 4 स्पीकर हैं। इस बार मैं पिछली बार से 20% बेटर बोलूंगा, जो अच्छी खासी बड़ी बात है। और अब भाई बड़ा तगड़ा बनाया है तो फ्लैगशिप बनाने की कोशिश करी, और फ्लैगशिप में एक चीज जो नहीं होती वो इसमें भी नहीं है, हेडफोन जैक। और भाई इतना बड़ा और इतना पतला अगर आप कर दोगे तो एक चीज और दिक्कत आती है कि बेंड होने में दिक्कत आती है। वैसे मैं थोड़ी जान तो लगा रहा हूँ, सैमसंग बता रहा है उन्होंने आर्मर एल्यूमिनियम डाला हुआ है, पूरा फ्रेम बेसिकली एल्यूमिनियम का, उसे स्क्रैचेस नहीं आते और आपका ड्रॉप प्रोटेक्शन और सारी चीजें बढ़िया रहती है। इसका डिजाइन काफी रफ एंड टफ है, पूरा ही मेटल का बना हुआ है। देखो दोस्तों, ये है आपकी आम जिंदगी, आप स्क्रॉल करोगे, अपने ऐप ऐप खोलो, थोड़े फोल्डर में खोलना है, एक ऐप खुली दूसरी मल्टीटास्क करने के लिए बड़ा झंझट है। बट ये है मेंटोस जिंदगी, पूरा कंप्यूटर नहीं है भाई। यहाँ पे यूट्यूब आपने चला लिया, यहाँ पे पीछे PUBG चल रहा है, यहाँ पे गैलरी एक विंडो चल रही, यहाँ पे एक और सेटिंग भी खोल ली, 3-4 विंडो अपनी चल रही है, अपनी मस्त घुमाई और यहाँ से चाह जाता भाई वॉल्यूम वॉल्यूम के सारे कंट्रोल, यहाँ पे भी आ जाते भाई फुल स्क्रीन करना है तो इसको फुल स्क्रीन कर लिया भाई, यही तो टैबलेट की मजा आ जाते हैं भाई। सैमसंग ना भाई सॉफ्टवेयर में बहुत मेहनत करता है, और इसकी मेहनत की वजह से ना ये मोबाइल और लैपटॉप का मिश्रण बन जाता है, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आपका लैपटॉप नहीं कर पाएगा। जैसे प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है आप सारी इंस्टॉल कर सकते हो भाई, जैसे ये वाली इंस्टाग्राम की ऐप हमने टैबलेट के ऊपर चला रखी है, मस्त चल रहा है। बैक साइड वाले से फोटो खींच लेते भाई की। वेंकी भाई बताना कैसी लग रही। देखो वेंकी भाई मैंने फोटो खींची आपकी, सेल्फी जितनी खींची है मैंने, अपने घर से भी फोटो खींची थी, ये सब अच्छी लगी थी, मजा आ रहा था। और बैक साइड फ्रंट साइड 4K कैमरा क्वालिटी देखो ना, वो वाओ सच स्मूथ स्किन, गिव मी योर साबुन फास्ट। ये और फीचर, ओ भाई वाइड एंगल, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के खींचोगे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी खींचेगी अपने घर से।
बट टैबलेट का बैक साइड वाला कैमरा एक चीज के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट की फोटो खींचना, उनसे टेक्स्ट निकालना, पीडीएफ्स को स्कैन कर उससे टेक्स्ट निकालना, यहाँ पे ऑटोग्राफ मारने, इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। नोट टेकिंग के लिए इन जनरल बहुत ज्यादा काम आता है, उसके लिए सैमसंग ने तीन चार चीजें डाल रखी भाई। इसमें एक इंस्टेंट स्कैनिंग है, ऐसे आप इमेज से आप भाई एक्चुअल टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो किसी भी पेज को सैमसंग नोट्स में खोल सकते हो, उसमें आप शेयरिंग वेयरिंग हो जाती है। इसमें भाई 11,200 mAh बैटरी। हमने इस वाले टैबलेट को जब यूज करते भाई, एक घंटा अगर हम चला रहे तो 8% के अराउंड कम हो जा रही थी बैटरी, जो अच्छा भाई गेमिंग खेलने में, वीडियो देखने में भाई बढ़िया चलो। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, 35% के अराउंड पुराने वाले से परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट है, वो है मैं एकदम ज्यादा फील हो नहीं पाता, क्योंकि पहला वाला भी मस्त स्मूथ चलता था और इस वाले भी मस्त स्मूथ चल रही। बट इसमें टाइम आ गया भाई, अब इसकी थोड़ी पसली टाइट करें। बीजे में तो हमने घर पे खेली थी भाई, लपेट तो दिया मैंने, 2-3 में तो लपेट दिया भाई, बट गेम बिल्कुल ही स्मूथ चल रहे। ओ भाई वो भी रीलोड कर रहा था, मैं भी रीलोड। वाह, टैबलेट में गेम खेलने में अलग मजा आता है। कहाँ से पट रही है भाई बोलो। अरे यार भाई, अच्छे कौन से मार दिया था, कितने मारे मैंने। बट मजाक की बात साइड में, जो एक्चुअल टैबलेट पे जो गेमिंग का एक्सपीरियंस होता है, मैं मेरे को पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एक तो भाई चारों तरफ आपके स्पीकर्स लगे, कहीं से हवा नहीं होती, और एक चीज और मैंने नोटिस करी कि फोन का एस्पेक्ट रेशो थोड़ा सा अलग होता है। गेम खेलते टाइम ना मतलब पूरा खुल के खेल सकते हो भाई, बड़ी स्क्रीन पे आप मतलब ऐसे मोबाइल पे अगर आप उंगलियां लगाते हो आधा स्क्रीन तो उंगलियां ले लेती है, यहाँ पे भाई पूरा बढ़िया से देखता है। टैबलेट बड़ी चीजों पे गेम खेलने के लिए बना हुआ है। लेट्स गो जेंशन इंपैक्ट, इसमें भी देख सकते हो ग्राफिक्स वाफिक्स सारी चीजें मस्त लग रही है, और बड़ी स्क्रीन पे मजा भी अलग आता है। बट अब आ गए भाई असली गेम, हम खेलेंगे GTA Vice City चला लेंगे भाई, पूरा पीसी वाली फील आ रही है। और एक्चुअली Vice City थोड़ा इस वाली स्क्रीन के ऊपर ना थोड़ा सा नया सा लग रहा है, पहले सस्ते कंप्यूटर में खेला था, इसमें भाई अंकल टॉमी वर्सेटी भाई अपना फुल मोड में। एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे इसको, HDMI केबल से हमने इसको मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया, तो अब भाई बड़ी स्क्रीन पे खेल रहा है Vice City। ओहो, GTA Vice City खेल के जो कि ऑफ कोर्स एक तगड़ी फील दे रहा है। टैब को टच पैड की तरह आप यूज कर सकते हो, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आप माउस कनेक्ट करोगे तो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। इसके माउस पैड को आप यूज करके अलग से BGMI खेलने में आप थोड़ा चैलेंज आएगा, अगर आप USB माउस और कीबोर्ड अगर लगा लेते हो फिर काफी आसान हो जाता है। भाई को थोड़ी एडिटिंग भी तो कराए, थोड़ी मेहनत भी तो कराए। ये भाई एक्चुअल वीडियो ओवरले लॉन्च की हमने इसके ऊपर एडिट करके देखी भाई, बढ़िया चल रही थी। एक दो चीज और इंटरेस्टिंग है, इसको विंडोज का सेकेंडरी मॉनिटर बना सकते हो, इसको सेकेंडरी डिस्प्ले बना के अपना फुल क्वालिटी में देख लो, एडिटिंग के टाइम पे भी काफी काम आता है। एक चीज और मेरे को इंटरेस्टिंग है कि भाई जो आपका नॉर्मल नहीं कर पाता लैपटॉप, लेट्स से मैंने गैलरी खोली, इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकता हूं भाई, इसको ऐसे कर सकता हूं, वो ऐसे चला लूं, ऐसे मल्टीपल टैब खोल लूंगा, काफी आसान हो जाता है। सैमसंग का डेस्क जो है भाई ये पूरा इसको लैपटॉप वाली फील देता है, और हमने भाई इसके ऊपर काफी ड्रॉइंग करी, तो इसमें एक चीज रहती है कि आप नॉर्मल पेपर पे लिखते हो ना अपने हाथ रख के ऐसे लिख सकते हो, और हाथ के ऐसे कुछ आता नहीं है यहाँ पे। वाओ क्या मजा आ गया भाई, यहाँ पे पहाड़ी वाड़ी बना दूंगा भाई, क्या देगा क्या ड्राइंग बनाए भाई, आर्टिस्ट तो मार। सैमसंग ने एस पेन में काफी सारी चीजें डाल रखी है, मैं जैसे आपको बताता हूँ, म्यूजिक प्ले पॉज कर सकते हो, कलर्स के बीच में स्विच कर सकते हो, एस पेन मेरी हैंडराइटिंग पहचान लेता है, नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी सेम एस पेन का एडवांटेज होता है जब आप डिजाइनिंग करते हो, जैसे अभी हमको इस फोटो में एक घर ड्रॉ करना है, तो अगर हम इसको माउस से ड्रॉ करते हैं तो उतना सही नहीं आता, एंड थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग जाता है। बट यही चीज अगर हम एस पेन से करें जो लैपटॉप में नहीं हो पाती, तो भाई काफी अच्छे से बन जाता है, मतलब सिंपल चीज है बट काम बढ़िया करता है। यहाँ अपने फेस पे मैं डूडल वूडल बना सकता हूँ, दाढ़ी मूछें दाढ़ी बना दी, ऐसे बना सकते हैं। एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग है, चाहे इसको ऐसे लगाओ चाहे इसको ऐसे लगाओ, दोनों तरफ से चार्जिंग बड़ी होगी। ये एक्चुअली इस पे ना साइड में लटक, और ये आपको लग रहा हो भाई गिर जाएगा, तो हमने पूरा ट्राई करा भाई, पूरा झटक उठक, इससे ज्यादा तो नहीं झटक पाओगे अब, मेरे हाथ दर्द हो गए। बड़ा भाग है भाई, देखते हैं ड्राइंग में कौन जीतेगा। हमारे एक तरफ है मोहित, दूसरी तरफ है वेंकटेश। एक बंदे हमने दे दिया 2 रुपए का पेपर, वेंकटेश जी थोड़ा सा स्लो, बट यहाँ पे मोहित ने अपने फुल कलर भर के अपनी पेंटिंग रेडी कर दी है, और हमारा फाइनल विनर आप बताओ कौन है। भाई मैं एकदम और बताता हूँ, एक प्रीमियम एंड का टैबलेट है, और ये आपके लैपटॉप के 90% काम, और आपके फोन के भाई ऑलमोस्ट 100% काम, बस जेब में फिट नहीं आएगा, सारे कर लेता है, काफी एक प्यारा प्रोडक्ट बन जाता है। हमने इसमें गेमिंग करी, एस पेन चलाया, एडिटिंग करी, इसको कंप्यूटर बनाया, सारी चीजें करने का हमको फील हुआ, जो इसका एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अगर इसमें बस एप्स चल जाए थोड़ी बहुत लैपटॉप की, तो भाई लैपटॉप को रिप्लेस 100% कर सकता है। इसका प्राइस है 1,33,000 rupees, ऑफ कोर्स एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, एक प्रीमियम प्राइस है, बट आपके लैपटॉप के 90% काम रिप्लेस कर देगा, फोन के 90% काम रिप्लेस कर देगा, थोड़े थोड़े रह जाते हैं, बट ओवरऑल इसको यूज करने में डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा है। आप बताना आपको इसलिए वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में।